हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग बेहतर और उम्दा होंगे। जैसा कि एरोली, घनसोली, रबाले एंड अब नेक्स्ट कोपर खेरना। तो मैं हूं मौजूद कोपर खेरने के अंदर, कोपर खेरने, कोपर खेराने, कोपर खेरने, जैसा चाहे प्रोनाउंस कर सकते हैं, तीनों ही तरीके से बोला जाता है। जिस जगह पे खड़े होके इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये है कोपर खेरने का वेस्ट वाला लास्ट पॉइंट। मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है मधुबन करके। ऐसा लग रहा है जैसे हिमाचल के अंदर जो सोसाइटियाँ बनी होती हैं ना, वैसा कुछ फील आया मुझे। तो मैंने सोचा कि यहाँ खड़े होके स्टार्ट किया जाए वीडियो को। एंड जैसे ही टर्न हो जाता हूँ तो ये आपका आगे से मैंग्रोव वाला दायरा स्टार्ट हो जाता है। तो शांत जगह है, थोड़ा सा गाड़ियाँ भी निकल रही हैं तो आपको आवाज़ आ रहा होगा, कुछ वक्त बाद वो भी नहीं आएगी। एंड काफ़ी मतलब ठंडा माहौल है इधर का। एंड जैसा कि कोपर खेरने के बारे में मैंने सोचा था, मुझे नहीं पता था कि कोपर खेरने में मुझे बताने को या दिखाने को इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। मुझे लगा था कि शायद छोटा सा एक नोट होगा एंड ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट मैं इधर आके काफ़ी शॉक्ड हूँ क्योंकि इतना कुछ है कोपर खेरने में बताने के लिए, दिखाने के लिए, कि एक पूरी सीरीज़ बना सकता हूँ। तो आज मैं एक्सप्लोर करूँगा कोपर खेरने नोट को। यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी के रेट चल रहे हैं एंड यहाँ की जो भी क्वालिटीज़ है, प्लस पॉइंट है या ड्रॉबैक पॉइंट है, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊँगा एंड आप लोगों को कोपर खेरने के पूरा टूर भी कराऊँगा। एंड सबसे ख़ास बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि यहाँ पे गार्डन्स बहुत है। जैसा कि ये सेक्टर 22 है, आगे सेक्टर 23 स्टार्ट हो जाता है, लाइन से गार्डन्स बने हुए हैं। एंड जो प्ले ग्राउंड्स है काफ़ी बड़े बड़े, जिसमें हॉकी मैच, क्रिकेट मैच आप इजीली खेल सकते हैं, बच्चों की नेट प्रैक्टिस होती है, वो सारी चीज़ें मौजूद है। तो बहुत ही सुकून की जगह है, दिलकश है, खूबसूरत है, रहने लायक जगह है। तो आइए समझते हैं कोपर खेरने नोट को एंड आज एक्सप्लोर करूँगा कोपर खेरने को। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा ज़रूर देखें। कोपर खेरने नवी मुंबई का एस्टेब्लिश लोकेलिटी वाला इलाका, जो घनसोली वाशी और MIDC इंडस्ट्रियल एरिया से घिरा हुआ है। इस इलाके में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी CHS, मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल ऑफिस स्पेस एंड इंडस्ट्रियल एंटिटीज का मिश्रण है। कोपर खेरने इज ए नोट ऑफ नवी मुंबई। इट वॉज बिल्ड मोस्टली एन रिक्लेम्ड लैंड बाय सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको। कोपर खेरने रेलवे स्टेशन नोट के सेक्टर 8A में स्थित है। थाने बेलापुर मार्ग पर स्टेशन के किनारे विशाल धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी DAKC स्थित है, जो रिलायंस कम्युनिकेशन का मुख्यालय है, जो भारत में सबसे बड़ा CDMA टेलीकॉम ऑपरेटर है। मिलेनियम बिजनेस पार्क MBP भी पास में स्थित है, जिसमें एलआई डिजिटल, पटनी कंप्यूटर सिस्टम, मास्टेक लिमिटेड, LNT इंफोटेक, LNT कंट्रोल एंड ऑटोमेशन यूनिट, 3DI सिस्टम, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑब्जेक्ट एज जैसी सॉफ्टवेयर परामर्श कंपनी है। कोपर खेरने की पॉपुलेशन 2,25,849 के लगभग होगी। क्षेत्रफल का आकार लगभग 6.66 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। 23 सेक्टर में पूरा नोड डिवाइड है। कोपर खेरने ने वाशी, कोपर खेरने रोड, घनसोली फ्लाईओवर, थाने बेलापुर रोड, पावने फ्लाईओवर और पाम बीच रोड के माध्यम से धवनी सड़क संपर्क सहित फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। कोपर खेरने में अच्छी साक्षर भीड़ है और आज ये एक इंडिपेंडेंट टाउनशिप है। इसका अपना रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड। कोपर खेरने शहर जिसने परिवहन के लिए वाशी की ओर जाने वाली भार को विभाजित किया है। सड़क यातायात की तुलना में ये एक शांतिपूर्ण स्थान भी है। इसमें चौड़ी सड़कें और सभ्य अपार्टमेंट संरचनाएं हैं। सही लफ्जों में अगर कहा जाए तो वाशी का क्राउड कोपर खेरने की ओर फैल गया है। कोपर खेरने के सेक्टर 11, 12, 14, 15, 20 को बेस्ट सेक्टर माना जा सकता है। न्यू लोकमान्य तिलक इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन स्टडीज LTIADS एंड LTCOE ने कोपर खेरने को गुड एजुकेशनल फैसिलिटीज से जोड़ा है।
कोबर गिरने से निर्माणधीन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 16.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट 24.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। LTT स्टेशन लोकमान्य तिलक टर्मिनस 21.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ट्रांसपोर्टेशन पर अगर नजर डाली जाए तो लोकल ट्रेन थाने से वाशी पनवेल के लिए कोपर खिरने के माध्यम से लोकल ट्रेनें पिक आवर्स के दौरान हर 10 मिनट और ऑफ पिक आवर्स के दौरान लगभग 20 मिनट यानी 20 मिनट में उपलब्ध है। बस सेवाएं कोपर खिरने से चैम्बूर, सायन, दादर, वर्ली, घाटकोपर, मुलुंड, भांडुप, पवई, डिंडोशी और बोरीवली के लिए बेस्ट बसें उपलब्ध है। NMMT बसें कोपर खिरने से थाने, डोमरीवली, उरण, पनवेल, मुलुंड और बोरीवली के लिए उपलब्ध है। कोपर खिरने से दादर, वर्ली और बोरीवली के लिए बेस्ट ऐसी किंगलोंग और NMMT की ऐसी वॉल्वो बसें उपलब्ध है। सोशल एंड रिटेल इंफ्रा पर बात की जाए तो इलाके में रिलायंस फाउंडेशन स्कूल, टेरना ऑर्किड, द इंटरनेशनल स्कूल, सेंट मेरी ICSE स्कूल, नॉर्थ पॉइंट स्कूल और लोकमान्य तिलक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे पर्याप्त शैक्षणिक संस्थान है। इस नोट के अंदर और आसपास के एरिया में काफ़ी सारे हॉस्पिटल मौजूद है जिसमें लॉयंस अस्पताल, साई स्नेदीप अस्पताल, फोर्टिस हीरानंदानी अस्पताल और MGM न्यू बॉम्बे हॉस्पिटल वाशी शामिल है। 20 से 25 मिनट में आप इनऑर्बिट मॉल, वाशी रघुलीला मॉल और सीवुड ग्रैंड सेंट्रल मॉल से कनेक्ट हो सकते हैं। बात की जाए धार्मिक स्थलों की तो यहाँ चार ही समुदाय के धार्मिक स्थल मौजूद हैं। मुस्लिम समुदाय की तकरीबन 4 मस्जिदें कोपर खिरना में मौजूद है जिसमें जामा मस्जिद सेक्टर 14 में बनी है। सेक्टर 14 में ही मुस्लिम समुदाय कब्रिस्तान भी बना हुआ है। सेक्टर 11 में सैन फ्रांसिस दी सेल्स चर्च बना हुआ है। सेक्टर 1 में द पेंटेकोस्टल मिशन चर्च मौजूद है। सेक्टर 23 में सिख समुदाय का बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा भी बना हुआ है। सेक्टर 3 में चिकनेश्वर टेम्पल, सेक्टर 19 में श्री गणपति मंदिर, श्री विश्वकर्मा मंदिर। पूरे कोपर खिरना के गाउटर एरिया में तकरीबन 10 से भी ज़्यादा बहुत ही प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। नवी मुंबई के बाकी हिस्सों की तरह कोपर खिरने में रियल इस्टेट की कीमतें आसमान छू रही हैं। इन 5 सालों के दरमियान यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। महापे के MIDC क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में कई बड़े कॉरपोरेट कार्यालयों की मौजूदगी होना इसकी एक वजह है। यहाँ कई रेस्टोरेंट और छोटे भोजनालय खुल गए हैं। स्टार कैफे, वरिष्ठ, पचरत्न एंड फूड जंक्शन, अरेबियन किचन, मैकडोनल्ड्स, कैफे कॉफी डे, शालीमार, मसाले एंड बास्किन रॉबिन शामिल है। इट ऑल्सो हाउसेज द फेमस पैथोलॉजी लेबोरेटरी ठाकुर लेबोरेटरी सिंस ईयर 2000। बात की जाए यहाँ के प्रॉपर्टी आउटरेट की तो कोपर खिरने में सेल के लिए 70% प्रॉपर्टी फॉर सेल लाई इन द रेंज ऑफ 60 लाख टू 80 लाख, वेल 14% प्रॉपर्टी फॉर सेल लाई इन रेंज ऑफ 80 लाख टू 1 crore। 2 BHK इज द मोस्ट कॉमन फ्लैट कॉन्फ़िगरेशन इन द लोकेलिटी एंड अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेट 44% ऑफ द ऑल द प्रॉपर्टीज फॉर सेल। 80% ऑफ द प्रॉपर्टीज इन द कोपर खिरने आर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स। अब बात की जाए यहाँ पर चल रहे प्रॉपर्टी के रेंट की तो यहाँ पर आप इजीली 15,000 से लेके 20,000 तक के रेंट में काफ़ी लग्जरियस फ्लैट ले सकते हैं जिसमें 1 BHK से लेके 2 BHK के फ्लैट आपको मिल जाते हैं। हाईएस्ट रेंट पर अगर हम बात करते हैं तो 25,000 से लेके 30,000 तक यहाँ का हाईएस्ट रेंट है। तो ये थी कोपर खिरने नोट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड अब बात करते हैं हम कोपर खिरने के हाईलाइट्स पॉइंट पर, यानी यहाँ के जो ड्रॉबैक पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, वो सारी चीज़ें एंड यहाँ की लोकेशन का भी मैं आपको टूर कराता हूँ। एंड जिस जगह पे अभी मौजूद हूँ मैं, जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ आप देख सकते हैं, थाने बेलापुर रोड, एंड उसको क्रॉस करता हूँ तो वो कोपर खिरने स्टेशन है, यहाँ का लोकल स्टेशन। एंड ये थाने बेलापुर रोड को मैं क्रॉस करके इधर आया हूँ तो यहाँ से जो मेरे बैक साइड का जो आप एरिया देख रहे हैं ये कोपर खिरने MIDC सेक्टर है। यहाँ से कोपर खिरने का ईस्ट वाला पार्ट जो पूरा MIDC सेक्टर में आता है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मेरे साइड में आप देख सकते हैं तो धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल भी है एंड उसके बगल से रिलायंस का भी हॉस्पिटल्स एंड रिलायंस का जो प्रोजेक्ट है एंड उसी के अपोजिट साइड में ये कोपर खिरना रेलवे स्टेशन है। तो मुझे आपको ये म्याद जो था, ये दायरा जो था वो भी दिखाना था कि भाई यहाँ से ईस्ट वाला जो पार्ट है वो MIDC सेक्टर में आता है एंड जो वेस्ट साइड वाला पार्ट है रेलवे स्टेशन के आप वेस्ट साइड में निकलते तो वो पूरा रेसिडेंशियल कोपर खिरने का पार्ट है। Thank you.
एंड अभी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं, ये अगर मैं टर्न करता हूँ मेरे हाथ के दायरे से जो आप ब्रिज देख रहे हैं, फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये घनसोली के ऊपर खेरना ब्रिज है, फ्लाईओवर है, एंड ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो घनसोली लग जाता है, एंड जस्ट ब्रिज को इस साइड क्रॉस करोगे तो कोपरखेरना स्टार्ट हो जाता है। कोपरखेरना सेक्टर एक यहाँ से स्टार्ट होता है एंड ब्रिज के उस साइड घनसोली सेक्टर एक वहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो मेरे बैक साइड में है होटल ग्रैंड, मतलब कॉर्नर पे बना हुआ है, यहाँ से पूरा कोपरखेरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो म्याद है, जो दायरा है, ये घनसोली और कोपरखेरना का दायरा है। ये लास्ट पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है कोपरखेरने का, एंड फिर यहाँ से लास्ट जाते हम तो वहाँ जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ से फिर वाशी स्टार्ट हो जाता है। एंड अभी जिस पार्ट पे मैं खड़ा हुआ हूँ, आप मेरे जो बैक साइड का जो दायरा देख रहे हैं, ये घनसोली के मैंग्रोव वाला दायरा है, एंड इसी से आगे हम जाते हैं तो ये कोपरखेरना के जो नोट अर्बन सेक्टर्स हैं, एंड थोड़ा सा आगे जाते हैं तो गाउटन एरिया स्टार्ट हो जाता है, कोपरखेरना जो प्रॉपर गाँव था, एंड उसी के आगे तालाब है एक छोटा सा, एंड काफ़ी सुकून वाली जगह है, ग्रीनरी काफ़ी है, तो बहुत ही अच्छा स्पॉट है। जैसे ये जो दायरा है ये कोपरखेरने का है, एंड यहाँ पर जो टावर्स बने हुए हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे खूबसूरत टावर्स हैं, उनका जो व्यू है वो घनसोली के मैंग्रोव वाला है, तो काफ़ी अच्छी जगह है, प्लस पॉइंट वाली बात है इस एरिया की। एंड इतनी खूबसूरत जगहें जो भी वेस्ट साइड की हैं, वेस्ट साइड के जितने भी दायरे हैं इस नोट्स के, ज़्यादातर मैंग्रोव वाले एरिए से कवर हो जाते हैं, आगे जाके खाड़ी रहता है तो ग्रीनरी रहता है, बट यहाँ का खूबसूरती के साथ ड्रॉबैक पॉइंट, जो माइनस पॉइंट देखा जाएगा तो मॉस्किटो बहुत हैं, कीट पतंगे कीड़े जो होते हैं रात के वक्त बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इधर रहने का एक खूबसूरती वाला फील भी है बट मॉस्किटो वाला ड्रॉबैक पॉइंट भी है। तो मुझे आप लोगों को ये माइनस पॉइंट भी बताना था, बिकॉज ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बट आप अगर मैं भी अभी खड़ा हूँ, मुझे अभी पीछे मॉस्किटो चिपक रहे हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा अंधेरा होगा तो और ज़्यादा मच्छरों का हमला होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो वेस्ट साइड के जितने भी दायरे हैं सभी जगह के, एरोली हुआ, रबाले हुआ, घनसोली हुआ, जो भी हैं वो मैंग्रोव से जो कनेक्टेड वेस्ट साइड के दायरे होते हैं वो खूबसूरत तो होते हैं, वहाँ से बाहर का व्यू बहुत अच्छा होता है, बट ग्रीनरी की वजह से जो कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, मच्छर, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को मेरे को एक ये पॉइंट बताना था, यहाँ आप देख सकते हैं ये कोपरखेरना एंड हो रहा है, एंड जैसे ही मैं मूव करता हूँ मेरे बैक साइड से वाशी स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये जो देख रहे हैं जो वे गया हुआ है ये वाशी के लिए गया हुआ है, यहाँ से टोटल वाशी लग जाता है, वाशी की कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, एंड यहाँ पर कोपरखेरना स्टार्ट खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। ये कोपरखेरने का 11th सेक्टर है, इस साइड का एंडिंग पॉइंट हम मान सकते हैं, एंड मैं उसकी अपोजिट साइड देखूंगा तो ट्रेन
का जो ट्रैक है वो जा रहा है, उसको क्रॉस करते तो थाने बेलापुर रोड है एंड उसी को क्रॉस करते तो MID सेक्टर्स रहता है। यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे तो मैंने इनसे सोचा कि बातचीत करूँ और पूछूँ कि कोपर खेमना में रहना कैसा लगता है। ये यहीं के निवासी हैं, यहीं पर रहते हैं। तो बेटा आपका नाम क्या है? आशियान शेख। आशियान शेख, आप कितने साल से कोपर खेमना में रह रहे हैं? 13 मींस मेरे फादर लोग बचपन से इधर हैं। आप कितने साल के? मैं 13 साल। अच्छा, तो 13 साल से आप यहीं पर। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल वाशी। वाशी में जाते हैं आप? हाँ। तो आपका स्कूल यहाँ से पास है? हाँ, ये ब्रिज क्रॉस करके, बस क्रॉस करके, मतलब यहाँ से वाशी की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। ओके, तो यहाँ पे रहना आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सुकून है, ग्रीनरी ज्यादा है। ओके, यहाँ का सबसे अच्छा और प्लस पॉइंट वाली बात सुकून और ग्रीनरी है। हाँ। और कुछ खास बात यहाँ की? कुछ नहीं, और बस इतना ही है। बस इतना ही है। अच्छा, अगर जैसे मैं पूछूं कि यहाँ के माइनस पॉइंट में, ड्रॉबैक पॉइंट में, तो यहाँ का ड्रॉबैक पॉइंट क्या होगा आपकी नज़र से? यहाँ का जो माइनस पॉइंट अगर पकड़े हैं अपन, तो वो क्या होगा? पॉल्यूशन, MIDC का, उधर छपरी बच्चे आते हैं, मस्ती करते हैं। ये पूरा मीन्स जो हमारा गार्डन बना अभी रिसेंटली हमारे नगर से मुनावर पटेल ने जो मनाया है वो पूरा तोड़ दिया लोग ने, हमको जाने ही नहीं मिलता है उधर, तो इसके ये नेगेटिव पॉइंट। और पॉल्यूशन, मेन पॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे मतलब पॉल्यूशन है, केमिकल पॉल्यूशन जैसे बोल सकते हैं MIDC सेक्टर की वजह से। तो यहाँ का एक ये ड्रॉप पॉइंट है, बाकी सारी खूबियाँ हैं यहाँ पे। हर एक एरिया का, हर एक जगह का कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट होता है, कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि हर एक इंसान में, हर एक जगह में कुछ खामियाँ होती हैं, कुछ खूबियाँ होती हैं। वैसे ही जगह है तो जगह की भी खामियाँ और खूबियाँ दोनों ही चीज़ें होंगी। तो बेटा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें भाई को। हे लोग, क्या नाम से आप? ह्यूमननेस, ह्यूमननेस।